आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑफ लाइफ बाय राजेश सर। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट एनसीईआरटी की। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 की चैप्टर नंबर सेकंड पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें हम बात करेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन की। प्लांट रिप्रोडक्शन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके लिए और प्रैक्टिस सेट में एमसीक्यूज होंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हमारे चैनल, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। हमारी आज की ये वीडियो नीट केबीएस तथा एनबीएस एलटी बायोलॉजी के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और इसके साथ साथ इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर पी महेश्वरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेसर पी महेश्वरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए प्रोफेसर पी महेश्वरी का फोटो दिखाया गया आपको ताकि आप जीवन में इन्हें याद रखें और भूलें ना। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को एक्सप्लेन करती थी, एंजियोस्पर्म के प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां लिखा है पादप भ्रूण विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं? प्रोफेसर बीरबल साहनी, डब्ल्यू एफ बॉल्फ, सर जगदीश चंद्र बोस, पंचानन महेश्वरी यानी कि पी महेश्वरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डब्ल्यू एफ बॉल्फ को फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्रुव केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियाई संबंधित है, आपको यह बताना है कि पोलर न्यूक्लियाई कहां पर पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? भ्रूण कोश में, पराग नलिका में, पराग कोश में, पुंकेसर में। भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक, पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब, पराग कोश यानी कि एंथर और पुंकेसर यानी कि पराग कोश यानी कि पोलन सैक, पुंकेसर यानी कि एंथर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण कोश। पोलर न्यूक्लियाई कहां पर जाते हैं? भ्रूण कोश। चलिए देख लेते हैं कि पोलर न्यूक्लियाई तथा एंटीबॉडीज कहां पाए जाते हैं। एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर देखें ओव्यूल की, यहां पर जो दिखाया गया ये ओव्यूल दिखाया गया है और इसकी अध्ययन करें तो इसमें देखो ये जो कलर दिखाई दे रहा है कलर, ये वैस्कुलर बंडल है। क्या है? वैस्कुलर बंडल, जिसके माध्यम से बीजांड में वाटर तथा फूड की सप्लाई होती रहती है। अब देखिए जो एम्ब्रियो सैक यानी कि बीजांड जो होता है, बीजांड जिस संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है फल भित्ति से, उसे कहते हैं फंसिल यानी कि बीजांडसन। और बीजांडसन से जिस संरचना पर जुड़ा रहता है उसे हाइलम कहा जाता है। ठीक है, दोनों बीजांड के दोनों आवरण, कभी कभी क्या होता है कोई बीजांड वन इंटेगुमेंट वाला होता है, कोई बीजांड टू इंटेगुमेंट वाला यानी कि ओव्यूल होता है। तो जहां पर ये बीजांड के आवरण नहीं चिपकते हैं उस एरिया को माइक्रोपाइल कहते हैं। पराग नलिका जो होती है निषेचन के समय यहीं से प्रवेश करती है, जनरली यहीं से प्रवेश करती है, बाकी अन्य जगहों से भी प्रवेश कर जाती है, जैसे इंटेगुमेंट है और कलाजल इंड है। इसे एम्ब्रियो सैक कहा जाता है, जो बीच में सेंटर में जो संरचना बनी है डार्क वाली, एम्ब्रियो सैक, इसी को यहां पर दिखाया गया है आपके सामने। ठीक है, उस पर बाद में बात करते हैं। बाहर की ओर इसमें इंटेगुमेंट है, एक इनर इंटेगुमेंट होता है, एक आउटर इंटेगुमेंट होता है। नीचे इसमें देखो ये दिखाया गया वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। आगे की बात करें हम, सॉरी यहां पर चित्र कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट, इस चित्र की बात करें हम नेक्स्ट की, तो देखिए इसमें ये माइक्रोपाइल एंड होता है
यहाँ पर सेनर्जिड सेल्स पाई जाती हैं और ये एक सेल हैं। सेनर्जिड सेल तथा एक सेल मिलकर क्या बनाती हैं? इग एपरेटस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इग एपरेटस बनाती हैं। इग एपरेटस बनाती हैं और इसी में ही पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, यानी कि ये क्या है? एम्ब्रियो सेक। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो सेक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए टू पोलर न्यूक्लियाई पाई जाती हैं, ये आपस में मिलकर सेकेंडरी सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें कुछ वैक्यूल पाए जाते हैं और इसकी तरफ जो सेल्स पाई जाती हैं, मतलब ये माइक्रोपाइलर एरिया है यानी कि मुख वाला एरिया है, और इसके अपोजिट साइड में पाए जाने वाली सेल्स को प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, यानी एंटीबॉडल सेल कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चौथा क्वेश्चन। पादपों में नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका सही ऑप्शन होगा परागकण। कहां पाए जाते हैं नर युग्मक? परागकण में पाए जाते हैं, ना कि पराग कोष में। इस बात को ध्यान रखना, जो परागकण होता है वो नर युग्मकोद्भिद होता है, ना कि नर युग्मक होता है। नर युग्मकोद्भिद यानी कि जहां मेल गैमेट रहते हैं। जब परागकण का जर्मिनेशन होता है तो इसकी पोलन ट्यूब में एक जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परागकण यानी कि पोलन ग्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहां देखा गया कलाजा यानी कि निभाग पाया जाता है। अभी हमने आपको समझाया था कि निभाग कहां पाया जाता है? बीजांड में। निभाग कहां पाया जाता है? बीजांड में। जो बीजांड होता है, बीजांड के अपोजिट साइड वाला, ऐसी संरचना थी बीजांड की, ऐसी संरचना थी बीजांड की, देखो ये संरचना, ये जो संरचना थी बीजांड की, देखिए ये जो बीजांड की संरचना थी, इसी में ये एम्ब्रियो सेक था, और इस तरफ वाले एरिया को एंटीपोडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निभाग कहा जाता है। इधर निभाग होता है, इधर जो सेल्स पाई जाती हैं इसमें वो एंटीपोडल सेल कहलाती हैं, इस तरफ वाले सेल इग सेल तथा सेनर्जिड सेल कहलाती हैं, इसे इग एपरेटस भी कहा जाता है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीजांड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। आवृत बीजी पादपों यानी कि एंजियोस्पर्म में क्रियाशील गुर बीजाणु से क्या विकसित होता है? यह घटना वहां की है जहां पर गुर बीजाणु जनन चलता है। गुर बीजाणु जनन के फलस्वरूप बाद में एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, जिससे एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भ्रूण कोश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण कोश। ठीक है, यहां पर बच्चे कंफ्यूजन रहता है भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में। तो देखिए भ्रूण कोश वो है जहां पर भ्रूण रहता है। ओके, भ्रूण पोष वो है जो भ्रूण को पोषण देता है। भ्रूण पोष पोषण देने का कार्य करता है। ओके, अब भ्रूण पोष क्या है? भ्रूण कोश होता है घर, ये भ्रूण का घर होता है। ठीक है, जहां भ्रूण रहता है, और इस भ्रूण कोश में एट सेल्ड होता है तथा सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट होता है भ्रूण कोश आवृत बीजी पौधों का। 80% प्लांट में ऐसा ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। नर युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका होती है यानी कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है प्लांट में, बताइए बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया था मेल गैमेटोफाइट की प्राथमिक कोशिका होती है, क्या होती है? मेल गैमेट कहां रहते हैं बताइए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परागकण। परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। आवृत बीजी पौधों का भ्रूण पोष होता है, भ्रूण पोष यानी कि इंडोस्पर्म। अभी मैंने कहा था भ्रूण पोष होता है,
तो देख लीजिए भ्रूण पोष का निर्माण किसके द्वारा होता है, पहले ये समझ लीजिए आप। तो जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक में टू सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम पोलर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ओके, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन के समय पोलन ट्यूब से दो मेल युग्मक आते हैं, ओके, दो मेल युग्मक एक सिनर्जिड सेल को खत्म करके, एक सिनर्जिड सेल को चीरता हुआ कहाँ आ जाता है? एम्ब्रियो सैक में दोनों आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? दोनों एम्ब्रियो सैक में आ जाते हैं, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक सेल जिसे कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये मेल युग्मक किससे मिलता है, मेल गैमेट किससे मिलता है? सिनर्जिड सेल से। तो उसका निर्माण होता है, देखिए जो दोनों न्यूक्लियाई थे वो हैप्लोइड थे, दोनों मिलेंगे तो डिप्लोइड बनेगा, 2n बनेगा। ओके, सॉरी 2n बनेगा, और 2n से जब एक n और मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी। इस पे लिख लो MIP, क्या होता है ये? MIP क्वेश्चन है, और कई बार ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये MIP क्वेश्चन है कि आवृतबीजी पौधों का भ्रूण पोष कैसा होता है, यानी कि एंडोस्पर्म होता है त्रिगुणित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एक पराग कोष यानी कि अंतर में परागधानी यानी पोलन सैक की संख्या होती है, एक एंथर में कितने पोलन सैक पाए जाते हैं, कमेंट कीजिए फटाफट। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर कितने होते हैं बताइए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 होते हैं पोलन सैक। कितने होते हैं? 4 पोलन सैक होते हैं। एक अगर पराग कोष की संरचना को देखेंगे हम, ठीक है, उसमें दो पालियां होती हैं, अगर उसे हम काट के देखेंगे तो हमें 4 पराग कोष नजर आएंगे। ओके, 4 पराग कोष नजर आएंगे, ये कहते हैं पोलन सैक। ओके, यहीं पर पराग कोण मात्र कोशिका होती है, पराग कण मात्र कोशिका होती है, और कुछ पराग कण होते हैं, ठीक है, कुछ पराग कण होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। डबल फर्टिलाइजेशन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना घुमा के क्वेश्चन बना है। दो निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? देखिए डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें दो बार निषेचन होता है, यह आवृतबीजी पौधों का यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का करैक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो बीजांड होता है, बीजांड में एक ईग सेल होती है, दो सिनर्जिड सेल होती हैं, एंटीपोडल सेल होती हैं, और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ओके, ये 2n वाला होता है तो यहां पर दो न्यूक्लियस हो गए, एक सिंगल n वाला होता है तो 3 हो गए, और जो पोलन ट्यूब आएगी उसमें कितने युग्मक, नर युग्मक आएंगे? 2 आएंगे, तो 2 ये हो गए, 2n ये हो गए, n और n बराबर 2n, तो कितने हो गए? 2, 3, 4 और 5, कितने हो जाएंगे? 5। तो यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन में 5 केंद्रक भाग लेते हैं, कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 5 केंद्रक भाग लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। भ्रूण कोष में इग एपरेटस यानी कि अंड उपकरण पाया जाता है, ये बताना है आपको। भ्रूण कोष में यानी कि एम्ब्रियो सैक में अंड उपकरण किस दिशा में पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोपाइल। हमने कहा था बीजांड द्वार की ओर सहायक कोशिकाएं तथा अंड उपकरण इग कोशिका मिलकर अंड उपकरण यानी कि इग से इग एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं,
ठीक है, सहायक कोशिकाएं पराग नलिका को प्रवेश करने में सहायता करती हैं और बाद में ये नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। भ्रूण कोश में अंड उपकरण, सेम क्वेश्चन आ गया, भ्रूण कोश में अंड उपकरण यानी कि ई गैपेट्स कहां पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके ऑप्शन नंबर एक, बीजांड द्वार की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। भ्रूण कोश में प्रतिमुख कोशिका यानी कि एंटीपोडल सेल स्थित होती हैं। हमने थोड़ी देर पहले आपको चित्र समझाया था, बताइए एंटीपोडल सेल किस तरफ स्थित होती हैं, बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोफाइल की ओर, निभाग यानी कि कलाजा की ओर, और मध्य भाग में उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलाजा की ओर। ठीक है, किस तरफ होती हैं, निभाग की ओर होती हैं, जिसे प्रतिमुख यानी कि बीजांड द्वार के अपोजिट साइड में होती हैं, वहां पर तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्रतिमुख यानी कि एंटीपोडल सेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पराग कणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है कहते हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। देखिए जब भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, इसलिए आपके लिए ये प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसका बताइए क्या कहते हैं, पैलियोबॉटनी कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं, पैलिनोलॉजी कहते हैं, पोलिनोलॉजी कहते हैं, या फिर एंथोलॉजी कहते हैं। देखिए अगर आप नहीं प्रैक्टिस किए हैं तब भी आप इस ऑप्शन को पहचान सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है पराग कण, किसका पराग कण का आप किस द्वारा अध्ययन किया जाता है, तो पराग कण के अध्ययन, तो यहाँ पर देख दिया आप, ये ऑप्शन जो आप दिख रहा है तो इसमें परागाणु विज्ञान दिख रहा है, तो आप जानते हैं कि विज्ञान का मतलब स्टडी करना होता है। ठीक है, विज्ञान का काम होता है स्टडी करना, तो यहाँ पर हो गया परागणों का अध्ययन करना पोलिनोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, पोलिनोलॉजी, तो इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। नारियल में खाने वाले भाग को की रूपात्मक प्रकृति क्या होती है, जो नारियल में हम भाग खाते हैं बड़े चाव से खाते हैं, मीठा मीठा लगता है, उसमें से तेल भी निकाला जाता है, तो इस भाग को क्या कहते हैं, कौन सा भाग होता है ये नारियल का, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो खाने वाला भाग होता है वो होता है भ्रूण कोश यानी कि एंडोस्पर्म, नारियल का एंडोस्पर्म खाया जाता है। ठीक है, इसका एंडोस्पर्म खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। आवृत बीजी पौधों का बीजांड समतुल्य है, आपको बताना है कि आवृत बीजी पौधों का जो बीजांड होता है किसके समतुल्य होता है, चार ऑप्शन आपके पास है, एक है गुर बीजाणु धानी के, अगला ऑप्शन है गुर बीजाणु के, अगला ऑप्शन है दीर्घ युग्मक धानी के, अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है परिभ्रूण पोष के, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेगा स्पोरोफाइट। बीजांड पूछा गया है, अगर आपसे भ्रूण कोष पूछा जाता तब आप कह देते कि भ्रूण कोष यानी कि एम्ब्रियो सेक जो होता है वो होता है दीर्घ युग्मक धानी। ठीक है, और यहां पर पूछा गया आपसे बीजांड, तो बीजांड के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है गुर बीजाणु धानी यानी कि मेगा स्पोरोस्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। जब बीजांड बीजांड ब्रंत पर समकोण पर मुड़ा होता है तो बीजांड के इस प्रकार को कहते हैं। देखिए ये पोजीशन आपसे पूछी जा रही है, बीजांड की ये पोजीशन पूछी जा रही है कि अगर इस तरह का बीजांड होगा, अगर इस तरह का बीजांड होगा तो आप इस तरह के बीजांड को क्या कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इस तरह के बीजांड को, ठीक है, हेमिट्रोपस कहेंगे, एम्फीट्रोपस कहेंगे, एनाट्रोपस कहेंगे या आर्थोट्रोपस कहेंगे। ठीक है, तो एनाट्रोपस नीचे की ओर मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और घोड़े की नाल के आकार का जिसमें भ्रूण कोष पाया जाता है उसे एम्फीट्रोपस कहा जाता है।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेमीट्रोपस। ओके, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हेमीट्रोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ये देखिए टफ क्वेश्चन आया और बहुत इजी है, कुछ नहीं इसमें टफ है, ठीक है। बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि कहां पर कोशिकाएं आगुणित होती हैं, कहां पर द्विगुणित होती हैं, ठीक है, डिप्लॉयड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 224 सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण के लिए सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं की में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। यहां पर इन्होंने कहा है कि जो 224 माइक्रोस्पोर के निर्माण के लिए, ठीक है, 224 माइक्रोस्पोर के निर्माण के लिए सूक्ष्म जीवाणु मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहां पर माइक्रोस्पोर यानी कि परागकण की बात की जा रही है, और परागकण क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। तो यानी कि अर्धसूत्री विभाजन चल रहा है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन चल रहा है। तो यानी कि एक विभाजन के फलस्वरूप चार कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो यहां पर देख लीजिए कि अगर एक से चार बनेंगे तो 224 को बनाने के लिए हमें कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो चार से भाग करेंगे हम, चार पंजे 20, यहाँ पर 224 देख लीजिए, और भाग कर देंगे हम चार से, क्योंकि एक से नहीं है, चार कोशिकाएं, तो चार से भाग करेंगे तो चार पंजे 20, ठीक है, 20 दो आएंगे, दो को नीचे चार उतारेंगे और फिर कहेंगे 6 × 24 कितने हो जाएंगे, 6 × 24। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी, 56 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं, आप लोग घबराएं ना, बिल्कुल सही ऑप्शन होता है, बस आपको बस थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संतरे में बहुभ्रूणता यानी कि पोली एम्ब्रियोनी की खोज किसने की, संतरे में बहुभ्रूणता यानी कि पोली एम्ब्रियोनी की खोज किसने की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूवन हाक ने संतरे में की थी बहुभ्रूणता की खोज। तो हमसे पूछा जाए बहुभ्रूणता की खोज किसमें की गई, तो संतरे में की गई थी, किसने की गई, कितने की थी, तो ल्यूवन हाक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, पुष्पों के सहायक चक्र हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज जायांग या दल पुमंग और दलपुंज, या बाह्य दलपुंज दलपुंज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाह्य दलपुंज, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे आगे की। ओके।